बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना आईजीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रूम। प्रयागराज में हुई घटना को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार द्वारा रची हुई साजिश है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और अपने को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले माता पिता जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार के अंदर शराब से सैकड़ों लोगों की मौत किसका साजिश है? कौन ये साजिश रच रहा है? कौन यहां पर शराब बनाने वाले को उम्मीदवार बना रहा है? कौन शराब माफियाओं को, दारू माफिया बालू माफिया को संरक्षित कर रहा है? और बिहार के अंदर हत्या अपहरण लूट बलात्कार किसके साजिश का अंग है? अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में चले हैं झांकने। बिहार में बैठे नेताओं का धिक्कार है, एक भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करने की क्षमता है। आज तो कम से कम जोगी जी के राज में अपराधियों में दहशत है, लेकिन बिहार में आम जनता में दहशत है। कम से कम यूपी में आम जनता दहशत मुक्त है। आम जनता को गर्व हो रहा है कि अपराधी अगर जो हमको सताएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में जनता को आप मिट्टी में मिला रहे हैं, इस पर कुछ बोलिए। एक भी बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बेटी के साथ बलात्कार होता है, हत्या कर देते हैं, अपहरण कर करके आज बच्चे का बेगूसराय में हत्या कर दिया, बलात्कार कर करके समस्तीपुर में बेटी की जीभ काट ली दलित समाज का। आज आपने बिहार शरीफ नालंदा सासाराम में जिस तरह से लूट हुआ, आगजनी हुआ, खुल कर करके एक तरफा कार्रवाई करके लोगों की आवाज दबाने का खेल खेलते हैं और सस्ता बीजेपी पर आरोप मरते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा का रक्षा और सम्मान करता है जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, लेकिन आप जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं और बिहार के लोगों को दहशत में लाते हैं। पहले बिहार को बचाइए, फिर आपको नैतिक अधिकार है किसी स्टेट के बारे में बोलने का। 30 लोगों की मौत हो गई और सीएम इफ्तार पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, ये सीएम संवेदनहीन हो चुके हैं, बिहार का बोझ बन चुके हैं, बिहार को अब चलाने में सक्षम नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने बिहार का बिहारी बेटा अनाथ हो रहा है, विधवा हो रही है हमारी मां बहने, जहरीली शराब से, इनके नकाबयाबी से, इनके शराब का झूठे शराबबंदी के अहंकार से लोग मर रहे हैं, और ये एक्शन लेने के बजाय इफ्तार मना रहे हैं। धिक्कार है इसे राजनीति को, और इस तरह के लोग, संवेदनहीन लोग सत्ता और सामाजिक सद्भाव पैदा कभी नहीं कर सकते हैं। ये कुर्सी के लिए सिर्फ उन्माद पैदा कर सकते हैं। ये वही सब काम करेंगे जिससे जाति और धार्मिक उन्माद पैदा हो और प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंची।